हेलो दोस्तों, फिर से आपके एक बार स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरफ और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कनेक्शन। ये आपकी डिमांड पे वीडियो बन रही है दोस्तों। कई व्यूअर्स ने मुझसे ये बोला है कि हमको कनेक्शन की वीडियो नहीं आती है और हमें कनेक्शन की वीडियो बना के दिखाइए और साथ में डीजे के कनेक्शन भी दिखाइए और कैसे एम्पलीफायर को एम्पलीफायर से पैच करते हैं और कैसे मिक्सर से एम्पलीफायर को पैच करते हैं। और ये सारी मैंने डिटेल इस वीडियो में देने की कोशिश करी है और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश करी है। मेरे पास, मैं यहाँ पे अभी आपको 3 एम्पलीफायर रख के दिखाऊंगा और साथ में हम क्रॉसओवर की भी जो आउटपुट होती है और इनपुट होती है उसको भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दो अभी सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कनेक्शन जानेंगे, सिंपल कनेक्शन कैसे होते हैं। मीन्स इसमें इनपुट आई, इससे आउटपुट गई, इसके अंदर इनपुट आई, इससे आउटपुट गई। तो ये वाला हम कनेक्शन जान लेते हैं कैसे होता है। बिल्कुल इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। बस आपको थोड़ी सी वायर में ध्यान देनी होगी कि कौन सी वायर आपको परचेज़ करनी है और कौन सी वायर आपको लगानी कहाँ पर है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए, मेल टू फीमेल XLR वाले ये आपको बना ले होंगे। 1 से 1.5 मीटर तक बनाइए अगर आप सिर्फ एम्पलीफायर ही पैच करते हैं। तो इसके अंदर हम इनपुट कैसे देंगे, तो इनपुट के लिए ये वाला यूज़ होता है। यह आ गया आपका इनपुट 1 और इनपुट 2 और ये आपका जो होगा ये आपका लग जाएगा कहाँ, मिक्सर में या फिर आप डीजे मिक्सर में लगा लीजिए। इसके जगह आप RC भी यूज़ कर सकते हैं और RC वाले भी कनेक्शन आते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, अब हमने तो इसमें दे दिया है पर इसमें कहाँ से देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको आउटपुट का भी ऑप्शन मिलता है, लिंक का भी ऑप्शन मिलता है इन एम्पलीफायरों में। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेम वही XLR वाले मेल फीमेल वाले आपको बना लेने हैं और यहाँ पे आपको इनपुट देना है। ये हो गया आपको उसको इनपुट देना। तो यहाँ से तो हमने निकाल लिया आउटपुट, अब हम क्या करेंगे कि इसमें आपको इनपुट दे देना है। ये दे दीजिए, ये आपका इनपुट आ गया। अब क्या होगा, हमें इससे भी उससे ऊपर देना है इनपुट। तो मैं आपको फिर ये वाला सेम वही XLR, फिर यहाँ से हमने इसको लिया और हमने इसमें डाल दिया। बहुत इजी होता है दोस्तों, आप काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि भाई कनेक्शन करने नहीं आ रहे हैं। हाँ, हो जाता है, पहली बार में आप गलत भी कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से मेन थोड़ा सा खेल चेंज हो जाता है। खेल क्या चेंज हो जाता है कि दोस्तों, आप तो आपने XLR बना लिया, लेकिन यहाँ पे आपको जैक टैप मिल जाता है। मीन्स कि यहाँ से अगर आपको आउटपुट निकालनी है तो जैक से ही निकाल सकते हैं, XLR से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका भी इलाज होता है। तो इसका क्या इलाज होता है दोस्तों, ये वाले आप जैक वाले और XLR वाले ये आप परचेज़ कर लीजिए, ये भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। तो ये आपका आ गया आउटपुट 1 से और आउटपुट 2 से। अब आपको ये जिसमें भी डालना हो उस एम्पलीफायर में डालिए, चाहे आप यहाँ पे XLR लगाइए, चाहे आप इसके अंदर जैक लगाइए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो सजेस्ट तो यही है कि आप XLR का ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन कुछ एम्पलीफायरों में अभी भी आपको जैक देखने को मिलेगा, तो जैक से भी आप काम चला सकते हैं। तो ये तो हो गया था सिंपल वे में। अब चलते हैं हम क्रॉसओवर के साथ कैसे करते हैं इसको कनेक्शन। तो दोस्तों, क्रॉसओवर हमारे पास है DBX का, ये आप देख सकते हैं 234 मॉडल नंबर है इसका। तो अब हम इसमें कैसे जानेंगे कनेक्शन करते हैं, इसकी मैं फुल डिटेल नहीं दे पाऊँगा, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगा। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसकी एक सिंगल के लिए चाहिए सेटिंग के साथ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा कि आपको इसकी वीडियो ज़रूर चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि हम इसके अंदर इनपुट देंगे। इनपुट देने के लिए आपको क्या करना होगा, XLR ही यूज़ करिए। ये इनपुट की वायर हो गई, इनपुट मैं आपको ये दिखा दूँ, तो ये यहाँ पे इनपुट है। ये अब यहाँ कलर के साथ चलिए, क्योंकि इतनी डिटेल में कैमरा नहीं दिखा पाएगा आपको। तो ये इनपुट हो गया, हमारी ग्रीन वाली जो है वो इनपुट हो गई है। ओके, इसको थोड़ा ध्यान दिमाग में भी लेके चलिए। और ये चैनल 2 की हमारी इनपुट हो गई, ग्रीन वाली हमारी इनपुट हो गई। अब आपको क्या करना है, लो के लिए आपको आउटपुट निकालनी है। मीन्स लो के लिए आपको बेस के लिए आउटपुट निकालनी है। बेस के लिए आपको क्या करना होगा, सेम XLR। अब यहाँ से आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको लो में डाल देना है। ये आगे हमारी लो, ये वाला जो कलर है आप जामुनी, ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ये बेस के लिए है।
कलर पे चलिएगा। अभी मैं इतनी डिटेल में यहाँ से ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, तो कलर वाइज चलिएगा। ये हो गई। अब हमें क्या करना है कि मिड के लिए हमें आउटपुट निकालनी है। मिड के लिए मैंने ले लिया ब्लू कलर, ठीक है। अभी मैंने मिड के लिए ब्लू कलर ले लिया है, तो ये आ गई हमारी मिड और ये आ गई हमारी मिड लो और इनपुट। ये देखिए यहाँ से हो गया। तो अभी हम इसको रख देते हैं ऊपर। सबसे पहला कलर क्या था हमारा? ग्रीन। दोस्तों ग्रीन ही आ गया। ग्रीन से क्या कर रहे थे हम? इनपुट ले रहे थे। इसको कर देते हैं साइड में, मिक्सर में डाल दिया समझ लीजिए। अब आ गया लो। लो में हम कौन सा कलर ले रहे थे दोस्तों? ये वाला जामुनी कलर ले रहे थे। तो लो के लिए मैं कौन सी बेस यूज़ कर रहा हूँ? कौन सा एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ मैं? लो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सबसे नीचे वाला एम्पलीफायर। ये तो फिर मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ये इनपुट कर दिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ मिड के लिए? मिड के लिए कौन सी वायर हमने चूज़ करी थी? ब्लू। ब्लू में हम क्या करेंगे, कौन सा एम्पलीफायर चूज़ करेंगे? मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ इस एम्पलीफायर को। मिड में ये आ गई, ये आ गई। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि ये एम्पलीफायर बचा, अगर आपको एक चैनल पे ही एक बेस देनी है और एक चैनल पे आपको मिड के थ्रो निकालनी है, तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाले में आपको क्या करना है। ये आपका मिड की एक आउटपुट आ गई, ये कौन से में चलेगी? चैनल वन में। अब आपको यहाँ पे एक चैनल खाली बचा है, तो इसमें आपको अगर इनपुट देनी है बेस के लिए, तो बेस के लिए हम यहाँ से निकालेंगे। तो हम अब क्या करेंगे कि यही सेम XLR वाले जैक यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ से लेंगे क्या, एक ही इनपुट, और ये जाएगी हमारी सेकंड चैनल में। तो ये यहाँ से प्रॉपर हो गया। ये आप एम्पलीफायर एक मिड में चैनल यूज़ कर लीजिए, एक बेस में चैनल यूज़ कर लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा दोनों का। और यहाँ पे तो खैर ये लो के लिए हो गया और ये मिड के लिए हो गया, और ये आपके मिड और लो दोनों हो गए, एक चैनल मिड और एक चैनल आपका लो। तो ये इजी वे था, बहुत इजी कनेक्शन होता है। फिर भी आपको अगर कुछ परेशानी हो रही हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा जल्दी से। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप का मैं कनेक्शन बताता हूँ वो कैसे होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पैरेलल कनेक्शन कैसे करें। मीन्स आप अगर पैरेलल कनेक्शन नहीं जानते हैं कैसे होता है, तो इस वीडियो को देख के आप आसानी से सीख जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको एक ही इनपुट की ज़रूरत होती है, दो इनपुट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। और आप एक ही चैनल में अगर आप इनपुट देंगे तो दोनों चैनल की आप आउटपुट दे सकते हैं, मीन्स एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एक ही चैनल से। और तो सबसे पहले आपको सेटिंग में क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर वाले में दिखा दूँगा। ये यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, ये ब्रिज पैरेलल और ये आपका स्टूडियो। तो आपके भी एम्पलीफायर में ऐसी सेम बोर्ड होगा और यही कनेक्शन यही होगा, तो आप इसको पैरेलल पे कर दीजिए। पैरेलल पे आपको क्या करना होगा कि आपको चैनल वन में इनपुट देनी होगी। ये यहाँ से चैनल वन में इनपुट गई। अब चैनल वन से ही आपको आउटपुट लेनी होगी, ये आ गई चैनल वन से आउटपुट। और ये भी अगर आपको पैरेलल करना है, ये गई हो गया। अगर आपको इसी से फिर आउटपुट देनी है पैरेलल, फिर हमने यहाँ से आउटपुट ली, फिर यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया। तो ये तो आप हो गए पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन काफ़ी इजी होते हैं। जो पहला वाला बताया था वो स्टूडियो कनेक्शन थे। अब हम चलते हैं ब्रिज मोड के कैसे कनेक्शन करा जाता है, ब्रिज मोड हम क्यों यूज़ करें और करना चाहिए हमें, तो वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों जो ब्रिज मोड होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपका एक एम्पलीफायर है, ये हो गया 3000 वाट का और आपने बेस बना ली 3000 वाट की, लेकिन आपके ये एक जो चैनल होगा वो निकालता होगा 1000 वाट या फिर कैसे इधर 1500 वाट, तो उस 3000 वाट के लिए कंफर्टेबल नहीं है ये चैनल, लेकिन आपका एम्पलीफायर है 3000 वाट। तो आप क्या करेंगे इस वक्त, तो आप इस वक्त क्या करेंगे कि आप इसको ब्रिज मोड पे चलाएंगे। आप इसको ब्रिज मोड पे करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा होता है कि आप इसको ब्रिज मोड पे करके ऑप्शन कर लीजिए। यहाँ पे हमने पहले ब्रिज मोड पे करा, ब्रिज मोड करने के बाद सिर्फ ये एक चैनल से ही इनपुट निकालेगा, मींस एक ही चैनल पे आपको इनपुट देनी होगी और एक ही चैनल से आप आउटपुट ले सकते हैं।
लेकिन लेकिन स्पीकोन भी आपको कनेक्शन वहाँ पे भी चेंज करने होंगे। हर एम्पलीफायर का एक अलग अलग स्पीकोन कनेक्शन होता है, ब्रिज मोड का इसका अलग है और इसका अलग है। ये दोनों एम्पलीफायर एक ही कंपनी के हैं और इसका अलग है। तो आप पहले यहाँ पे आपको पीछे डिटेल दे रखी होगी चैनल वन पे आपको देख रखा होगा। यहाँ पे मेरे पे दे रखा है 2+ और 1+ पे आपको ब्रिज मोड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप फिर स्पीकोन के अंदर कनेक्शन चेंज करके आप इस पर इनपुट डाल दीजिए और वो ब्रिज मोड पे 3000 वाट आपको। और 8 ओम ये भी चेक कर लीजिए कि 8 ओम और 4 ओम कितने पे दे रहा है। अगर आप 8 ओम पे चला रहे हैं तो वो भी चेक कर लीजिए कितनी इसकी आउटपुट है, और अगर 4 ओम पे चला रहे हैं तो आप इसको भी चेक कर लीजिए कि कितनी इसकी आउटपुट है, तभी आप लगाइए ब्रिज मोड पे। और ये दोनों के पावर आपको एक ही चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात होती है। और इसका जो कनेक्शन का वो है ये भी अलग है, ये आपको ब्रिज मोड पे देखने को मिल जाएगा 2+ और 2-। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे के चलिए कि कौन से एम्पलीफायर में कौन सा आपको आउटपुट कौन से सॉकेट के इनपुट पे देखने को मिल जा रहा है। तो ये आप ज़रूर पढ़िए, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाती है पीछे, और यहाँ पे भी आपको देखो डिटेल देखने को मिल जाती है। ये चैनल 1 पे ही होता है दोस्तों, चैनल 2 पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चैनल 1 से आप ब्रिज मोड निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रिज मोड, पैरेलल मोड, स्टूडियो मोड और क्रॉसओवर की कैसे आप कनेक्शन करें। और तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड और कोई और टॉपिक हो उससे भी रिलेटेड। और अगर आपको किसी भी चीज़ की एक वीडियो चाहिए हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूँगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं उसी से मोटिवेट होके यानी उसी को मैं देख के ही वीडियो बना पाता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें नीचे उस लाल बटन को। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।